सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम इससे किसी भी तरह का सर्किटल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास जो है ना इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब मैं इस क्वेश्चन को जो है ना सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचान के अगर करना चाहूंगा ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा आसानी से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ बहुत आसान सॉल्यूशन होता है, है ना। अगर इसमें चार बैटरी के आप छह बैटरी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें रेजिस्टेंस कैसे भी घुसा के कैसे भी लगा दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत आराम से हम इसको बना देंगे। तो बस एक ही बात कहना चाहता हूं, किरचॉफ लॉ क्या होता है भाई, इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन किरचॉफ लॉ यूज कहां होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हमें जो है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस करंट या फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो आसानी से कर सकते हैं, हमें इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बात। तो किरचॉफ ने इतना महान रूल बनाया तो इन दोनों रूल्स को पढ़ने की हमें जो है ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि किरचॉफ ने हमें दो रूल दिए, है ना। किरचॉफ ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट रूल, है ना, आप इसको किरचॉफ करंट लॉ बोलें, ठीक है ना, हम इसको KCL भी कहते हैं, है ना, केसर चंद लाल, है ना, KCL, बात याद रख पाओगे। चलिए ये पहला लॉ है, इस पहले लॉ को प्यार से हम किरचॉफ का जंक्शन रूल भी कहते हैं, प्यार से हम किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसका एक और घर का नाम है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, इसको इतने सारे प्यार के नाम से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसको जो है ना इसका एक और बड़ा भाई है जो कि है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। अब अगर छोटे भाई के प्यार के नाम है तो इसका भी प्यार का नाम होगा, बोला इसको बोलते हैं लूपू, किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है ना। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ आपका जो है ना मैश लॉ, ठीक है ना, लूप मैश जंक्शन वंक्शन ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको भी समझाते हैं। इसके साथ साथ अब इसका जो है ना ये दूसरा है तो ये किरचॉफ का आपका सेकंड रूल है, क्या है, किरचॉफ आपका सेकंड रूल, ठीक है ना। बस आपको तो इसको KVL के नाम से प्यार से बुलाना है, क्या, KVL के नाम से इसमें प्यार से बुलाना है। तो आप इसको KVL लगाओगे, इसको KCL लगाओगे, सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, पहले एक बहुत छोटी सी लिखिए भाई, हेडिंग बनाओ किरचॉफ करंट लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, एक बार इसको जानते हैं, इसका एक क्वेश्चन करेंगे प्यारा सा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, देखो बहुत आसान है लेकिन आपको इसकी वैल्यू को समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको जानना है, ठीक है ना, तभी आपका इससे क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन आप पहले इसकी जो है ना मेन चीज जो थीम है इसकी खुशबू है उसको लेने की कोशिश करो। मैंने कहा जंक्शन क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ को हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा जंक्शन क्या होता है। बोला सर पता है तो बताओ क्या होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर मीट करते हो, क्या बोला, नोट कर लो, जंक्शन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर 3 or more than 3 कंडक्टर एक साथ मीट करें, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो है ना ये क्या है भाई, ये क्या है, बोला ये जंक्शन है, क्या है, जंक्शन है। तो किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि एट एनी जंक्शन एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो, है ना, क्या बोलोगे, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको इस तरह से लिखो, एलजेब्रिक सम का मतलब है कि जहां पर हमें वेक्टर ना हो, जो वेक्टर सम नहीं है वो एलजेब्रिक सम है, तो एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो, ये हमसे कहता है किरचॉफ का करंट लॉ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि लेट से हमारे पास ये 4, 5, 6, 7 कंडक्टर हैं, ठीक है ना, ये एक कंडक्टर, ये एक दूसरा कंडक्टर, ये एक तीसरा कंडक्टर, ये एक चौथा कंडक्टर और ये रहा मेरे पास एक पांचवा कंडक्टर। इस तरह से काफी सारे कंडक्टर हैं, इनमें इन सभी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इन सभी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। देखो अब करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से कि लेट से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, इसके अंदर है 6, इसके अंदर है 2 और इसके अंदर है 10 एम्पियर है करंट, ठीक है ना।
तो किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि भाई जितना करंट जंक्शन पर आएगा, देखो एरो लगा जंक्शन की ओर है ना, जितना करंट टुवर्ड द जंक्शन जाएगा उतना ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगा। दैट मीन्स 10 एम्पियर 8 एम्पियर जंक्शन में जा रहा है, और देखो 6 to 10 ये 18 एम्पियर टोटल जंक्शन में जा रहा है और 18 एम्पियर टोटल जंक्शन से बाहर आ रहा है। तो किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि जो पूरा का पूरा चार्ज है वो कंजर्व है, ना तो कोई भी चार्ज जंक्शन ने खाया और ना ही चार्ज अपनी साइड से उगला। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जंक्शन ना तो सोर्स की तरह एक्ट करता है, ना तो खुद से देता है और ना ही सिंक की तरह एक्ट करता है, ना ही जरा भी चार्ज लेता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो KCL है किस लॉ पर बेस्ड है। तो आप बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और आप यहां पे लिख दोगे कि जंक्शन नाइदर एक्ट एज सोर्स, ना तो ये सोर्स है या ना तो खुद से चार्ज बनाता है और ना ही ये खुद से क्रिएट करता है, नॉर एक्ट एज सिंक। क्लियर है इतनी बात? सिंक मतलब ये चार्ज लेता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये I1 करंट जंक्शन में एंटर किया, I2 करंट जंक्शन में एंटर किया, ठीक है, I2, ठीक, और I3, I4, I5 ये जंक्शन से लीव किया, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि हमने ऐसा माना कि आने वाले सभी करंट को प्लस साइन ले लिया और जाने वाले को माइनस। तभी तो हम बोलेंगे कि इस जंक्शन पे जो है सारे करंट का जो सम है वो जीरो है। 10 और ये आपका कितना था 8, इनको पॉजिटिव मान लिया और 6 to 10 को आपने नेगेटिव मान लिया, तभी तो आपने बोला कि इस जंक्शन पे कितना करंट प्लस जीरो करंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि I1 ये जंक्शन की साइड जा रहा है, तो I1 प्लस ये जंक्शन में जा रहा है, I1 प्लस I2 ये पॉजिटिव, माइनस ये सारे जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या बोलेंगे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। क्लियर है? तो आप यहां से लिख लो कि ये करंट एंटरिंग है इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ हमसे ये भी कहता है कि करंट एंटरिंग, करंट जितना एंटर करता है उतना ही करंट लीव कर जाता है, उतना ही करंट लीव कर जाता है यानी कि बाहर छोड़ के चला जाता है। तो ये हुआ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्लियर है? तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा देखो, अब हम करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ का एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी है, उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक जरूरी बात बताऊं कि किरचॉफ का करंट लॉ जो है, अच्छा पहले इसको हटाते हैं फिर आपको बात बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन सभी चीजों को नोट कर लिया आपने, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो उनकी, और हेडिंग बना लो एक न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल सी बात आपको बताएं कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल, जैसे अब जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उसको किरचॉफ करंट लॉ से करेंगे, ठीक है। बोला सर कौन सी बड़ी बात है, आपने दो बार बता दिए पहले, लेकिन इस न्यूमेरिकल को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वोल्टेज लॉ से करेंगे तो हो सकता है आपको समझने में आसान लगे, तो इसको छोड़ना मत। और ये भी मत समझना बोला सर ने टफ मेथड बता दिया, ठीक है ना, ये टफ मेथड नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इससे भी करके देखोगे क्वेश्चंस को तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो है ना कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा फिर, ठीक है ना। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, किरचॉफ का करंट लॉ भी किस तरह से अप्लाई करना है और वोल्टेज लॉ भी किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, इस तरह से क्वेश्चन बना लो कि लेट से हमारे पास जो है ना ये कंडीशन बना दी गई, चलो ठीक है, ये देखो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये रेजिस्टेंसेस लगा दी गई और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी गई इस तरह से, ये एक बैटरी है, सेल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, इसी तरह से यहाँ पे एक सेल हमने यहाँ लगा दी भाई, ये लो। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है कि लेट्स अगर हम सबको बोल दें कि भाई ये है आपका 2, ये आपकी 2 ओम और ये है आपकी 2 ओम,
ठीक है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 2 ओम 2 ओम मान ली, और ये है आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 10 वोल्ट, और ये है आपका मान लो इसको चलो 10 20 10 20 और 42। कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यूज आसान हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको ले ली, ठीक है ना। देखो 10 10 वोल्ट 20 वोल्ट और आपका 42 वोल्ट, क्लियर है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हर ब्रांच के अंदर करंट कितना कितना होगा, हर ब्रांच में कितना करंट है ये मैं कैलकुलेट करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ तो ये ए, ये आपका बी सी डी ई एफ, क्लियर है। इस क्वेश्चन में पता करना है कि हर ब्रांच के अंदर करंट निकालो, और वोल्टेज वोल्टेज की वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन लेकिन एक छोटी सी चीज़, मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा काम हमें करना है। क्या करना है हमें, काम ये करना है कि पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए करंट हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। आप बताओ मुझे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, बोलो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो एक चीज़ आप बताओ मुझे कि अगर मुझसे कभी भी कहा ना जाए कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, लेकिन मुझे पता पड़ जाता है ना, क्यों, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल और ये वाला जो है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होता है। मैंने कहा यहाँ का पोटेंशियल 10 और यहाँ का पोटेंशियल 4, दैट मीन्स 10 वोल्ट और 4 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो क्या बोलोगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा भाई 6 वोल्ट, क्लियर है ना। तो ये तो मुझे पता पड़ गया हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की बात, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए एक चीज़ और याद रखना कि अगर मेरे पास ये बैटरी लगी हुई है, अगर मेरे पास ये बैटरी है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो याद रख लेना कि 10 वोल्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये जो बड़ा टर्मिनल है ये 10 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल हैं, अगर मैंने कह दिया कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये 0 वोल्ट पर है और ये -10 वोल्ट पर है, है ना। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही आना चाहिए, दैट मींस हायर पोटेंशियल 0, 0 ज्यादा होता है ना -10 से, तो हायर पोटेंशियल माइनस आपका लोअर पोटेंशियल, तो माइनस लोअर पोटेंशियल तो आपका हो गया 10 वोल्ट। तो ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 10 पे हो जाए और ये 0 पे हो जाए, तो आप हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करोगे तो आपका आंसर 10 आ जाए, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल देना कि ये ही हमेशा 10 पे होगा और ये 0 पे होगा, क्लियर है बात। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और सारा क्वेश्चन आसानी से बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखो सुनो कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आती, बात को सुनना कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाती तब तक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जितना है ना उतना ही रहता है, क्लियर है। अब देखो तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बैटरी है, इसका जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, लेकिन पहले मुझे KCL वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा काम करना होता है कि सबसे पहले मैं एक जंक्शन डिसाइड करता हूँ, पहले मैंने एक जंक्शन को पॉइंट कर लिया, ये जंक्शन मैंने पॉइंट कर लिया और यहाँ पर मैंने खुद से जो है ना करंट की वैल्यू मान ली, लेट से यहाँ से I1 करंट यहाँ से जा रहा है, I2 करंट यहाँ से जा रहा है और I3 करंट यहाँ से जा रहा है। तो पहले तो मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहनी है कि देखो हमें पता है कि करंट किसी जंक्शन पे जा रहा है ना, जैसे मान लो I2 जा रहा है या I3 जा रहा है, तो एक करंट जंक्शन की ओर भी पहुंचना चाहिए, हमने तो तीनों करंट जंक्शन से बाहर निकाल दिए, तो क्या ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है वो वॉयलेट नहीं हो रहा है, है ना। तो हमने इनमें से कोई ना कोई डायरेक्शन गलत जरूर कंसिडर की है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा जंक्शन में जा रहा है और कौन सा जंक्शन से बाहर आ रहा है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या कर लिया, हमने तो सिंपल ये मान लिया कि सारे के सारे ये जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, जो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा उस डायरेक्शन को हम पलट देंगे, है ना। उससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये डायरेक्शन हमने गलत कंसीडर की है। जैसे मान लो I2 की वैल्यू -5 आ गई, माइनस आ रहा है ना, करंट माइनस में नहीं होता, इसका मतलब है कि I2 की डायरेक्शन ऐसी होने के बजाय ऐसी होगी, क्लियर इतनी बात। अब देखो तो देखो सिंपल सी बात, आपको ये समझ में आया, ठीक है। सबसे जरूरी बात कि लेट से मैंने ये जंक्शन पॉइंट कर लिया और उस जंक्शन का जो पोटेंशियल है, लेट से अननोन पोटेंशियल मैंने बी मान लिया, कितना मान लिया बी। देखो सबसे ज्यादा जरूरी बात कि मैंने कहा कि इस पॉइंट का, दैट मीन्स इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 20 है, तो मैंने माना कि ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है इसका है 0 और छोटा वाला है इसका है -20 वोल्ट पोटेंशियल, कितना, ये 0 पर है और ये -20 वोल्ट पर है, इस बैटरी का ओवरऑल पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो ये 0 पे है ना, तो इससे कनेक्ट होने वाला ये टर्मिनल, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए 0, तो अगर इसका 0 है तो इसका कितना हो गया -10, ठीक है। अब देखो ये 0
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो फिर इसका भी कितना हो चाहिए, ये होना चाहिए जीरो, और इसका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लस 42। प्लस 42 क्यों, क्योंकि हायर पोटेंशियल वाला है और ये लोअर पोटेंशियल वाला है, माइनस करोगे तो आंसर 42 आना चाहिए। क्लियर इतनी बात ना हो। इसके बाद देखो, ये मैंने पोटेंशियल्स मार्क कर लिए, इसके बाद मुझे क्या करना होता है, अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू, देखो जंक्शन रूल लगाऊंगा मैं सिंपल, ठीक है, तो क्या करना है बोला, समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे, तो किसी जंक्शन में मैंने मान लिया कि भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 ये होता है इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, मतलब जो प्लस माइनस है उसको अपन प्लस माइनस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ I1 की वैल्यू पुट करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, I1 की वैल्यू पुट करूंगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू, उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R की वैल्यू, देखो तो यहां पे V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना, मतलब V, ये माइनस 10 पर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है, माइनस 10, क्लियर है। तो अगर I1 लगाना चाहूंगा, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो हायर पोटेंशियल है V माइनस, माइनस का 10, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं इसको प्लस लिख सकता हूं, तो V प्लस 10 अपॉन कितना, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तभी तो हो जाएगा ओम्स लॉ से V अपॉन R, ठीक है। प्लस I2, देखो I2 कहाँ जा रहा है, बोला I2 जा रहा है यहाँ पे, तो ये 42 वोल्ट पे है ना, तो उसका मतलब कि ये पॉइंट भी 42 पर है, और ये अगर V पर है तो ये भी V पर है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये है हायर पोटेंशियल पे माइनस लोअर पोटेंशियल, माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 42 किस पे हो गया, लेट से लोअर पोटेंशियल पे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 2। प्लस I3, देखो I3 में देखो क्या है, ये पॉइंट कितना, देखो ध्यान से, ये पॉइंट V और ये माइनस 20, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो V माइनस माइनस 20, V माइनस माइनस 20, तो ये V प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या करेंगे, वही सबसे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं करना, तीनों का एडिशन कर देना है, तो V प्लस 10, V प्लस मतलब V माइनस 42 और आपका V प्लस 20, ठीक है, ये सारे 2 इस साइड चलेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे 0 हो गए, ठीक है। तभी कहते हैं कि 0 के पास मत रहा करो, नहीं तो खुद भी 0 हो जाओगे, है ना, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये सारे 0 हो गए, सबका एडिशन कर देना है, तो ये आपका 3V और 10, 20 आपका 30 और ये माइनस का 42, तो ये माइनस के 12 हो गए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो V की वैल्यू हो गई वो हो गई 12 अपॉन 3, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, बोला ये हो गया 4 वोल्ट, तो V की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 वोल्ट, इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ये 4 वोल्ट वाला पॉइंट है, कितना है 4 वोल्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना, I1, I2, I3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ ना, और डायरेक्शन के आगे मत बढ़ जाना, बोला सर I1, I2 तो हम निकाल लेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सुनो ध्यान से, I1 की वैल्यू निकालते हैं, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोला इसमें पुट कर दो V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू ये हो गया 7 एम्पियर करंट, ठीक है। यहाँ पे देखो V की वैल्यू कितनी, बोला I2 इज इक्वल टू, V की वैल्यू है आपकी 4 माइनस 42, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस 19 एम्पियर। इसी तरह से इसकी वैल्यू देखो 4 प्लस 20, तो आपका 24 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से I3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 12 एम्पियर, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर मेरा माइनस में आ रहा है, ये आंसर मेरा I3 I2 की जो वैल्यू है वो माइनस में है ना, इसका मतलब है कि I2 की वैल्यू माइनस में है ना, तो ये जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की है ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। अब आप खुद से देखो, ये 4 वोल्ट पे, ये 42 वोल्ट पे, तो करंट ऐसे फ्लो होगा ना, तो उसका मतलब हमें समझ में आ गया कि करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब वैसे भी क्लियर हो रहा है कि देखो, ये देखो I1 प्लस I3 यानी करंट एंटरिंग, या फिर ऐसे मान लो देखो कि यहां से देखो 7 प्लस 12 19 और ये माइनस 19 और माइनस 19 जंक्शन पे करंट का सम कितना हो गया प्लस 0। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ जैसे मान लो अगर मैं सेम क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता तब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर पाते, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसको आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो,
अब इसमें क्या है, जैसे मान लो अगर मुझे एक और क्वेश्चन मिल जाता इसी तरह का छोटा सा क्वेश्चन, अगर मुझसे कह दिया जाता कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 एम्पियर की एक मतलब इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? हाँ जी मैं इसको निकाल दूंगा ना आराम से। जैसे मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, इस रेजिस्टेंस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू मेरे पास जीरो होता है, होता है नहीं होता, इज इक्वल टू मेरे पास जीरो होता है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ से देखो I1 की वैल्यू मुझे फिर से पता है कितना निकालूंगा, V प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। I2 की वैल्यू मुझे कितना मिल गई, बोले 5 एम्पियर, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 5। और I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, I3 की वैल्यू मेरे पास है V और प्लस 20, वी प्लस 20 डिवाइडेड बाय आपका 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व कर पाऊंगा ना, यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकाल दूंगा तो वी की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, सॉल्व करके आंसर मुझे दे देना, ठीक है? वी की वैल्यू निकल जाएगी, I2 की वैल्यू मुझे पता है और I1 I3 की वैल्यू आप मुझे निकाल दोगे। क्लियर हो जाएगा ये इतना? आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कर देना, ये इतना आप, इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खुद के साथ धोखा मत करना, ठीक है? बोला सर हमें नहीं करना कमेंट, तो कम से कम खुद के रजिस्टर में जरूर इसको करना, ठीक है ना? ठीक है, और अगर हमें बता दोगे तो हमें थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप हेडिंग बनाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना? इसमें कुछ नोट करने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेडिंग बनाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है? हाँ जी, अब हेडिंग बना लो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है? तो देखो सिंपल सी बात है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग की एक छोटी सी जो है ना बोलें कि प्रेशर खत्म करें। क्या आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो। समझ में ना आए ना तो उस वीडियो को यहीं पर रोक देना और थोड़ा सा देर से आना, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद आराम से फ्रेश होके, है ना? फ्रेश होके नहीं, ठीक है ना, आराम से सोच आके आना और उसके बाद वीडियो को देख लेना, आपको जो है ना यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना? कभी चीज़ हमें कई बार होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, उसके बाद ब्रेक लो और उसके बाद जो है ना आ जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें फिर से एक बार समझ में आ जाती है, ठीक है ना? एकदम रेज्यूविनेट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो देखो सिंपल सी बात है कि एक और चीज़ बोलें कि अगर आप बड़ी वीडियोज़ ना देख पा रहे हो तो क्या करोगे कि छोटी वीडियोस देख लो। अभिषेक साहू प्रो चैनल जो हमने आपके लिए बनाया हुआ खास तौर पर, ठीक है ना, उसको जो है वहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, तो वहां शॉर्ट वीडियो लेना। बोला सर ऐड कर दिया, नहीं ऐड नहीं, वो चैनल आपके लिए ही बनाया है कि भाई रिवीजन आपको करना पड़ेगा तो कैसे करोगे फिर से ये सभी वीडियो को आराम से जब हमने पढ़ा हिल हिल के तब देखना पसंद करोगे क्या? नहीं ना, तो आप रिवीजन आराम से कर पाओगे, आपके एग्जाम टाइम आ जाए आप तो आराम सोना, हम आपको रिवीजन की गारंटी देते हैं, ठीक है ना, कि सारी चीज़ें आपको खत्म करा देंगे। क्लियर है? अब देखो अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो देखो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमसे क्या कहता है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के से पहले हमें समझना होगा लूप क्या होता है। बोलो सर हम जानते हैं लूप का मतलब होता है कि क्लोज्ड पाथ, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। तो यहां पे देखो ये लेट से मेरे पास जो है ना एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है कि जिसके अंदर जो है ना काफी सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस के साथ साथ इसमें बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है? बोला एक नहीं तीन बैटरी लगी हुई है, एक नहीं चार बैटरी लगी हुई है, इस तरह से मैंने कह दिया ये, ठीक है? तो मेरे पास क्लोज्ड लूप का मतलब क्या, क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि अगर मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं और वापस ए पे आ जाऊं तब मैं इसको क्लोज्ड लूप मानूंगा। अगर मैं लिख दिया ए बी सी डी तो ये क्लोज्ड लूप थोड़ा ना है, ये क्या, ये तो सिंपल एक आपने पाथ बना दिया, अब हो गया क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पाथ, ए बी सी डी ए जहां से चलूं वहीं पे स्टार्ट कर दूं, ये होगा क्लोज्ड लूप। अब इस क्लोज्ड लूप में आप देखो बात को समझना, इस क्लोज लूप में रेजिस्टेंसेस हैं, बैटरी है, रेजिस्टेंसेस हैं, बैटरी हैं, तो इस क्लोज लूप में जो पोटेंशियल है वो हर जगह चेंज होगा। जैसे मान लो आप जानते हो कि करंट फ्लो हुआ कहीं से कहीं, करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल चेंज आएगा। जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है पोटेंशियल का चेंज आता है। बोला सर पता है, ठीक है ना, तो पता है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दैट मीन्स यहाँ पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पोटेंशियल चेंज होगा। अब देखो इस टर्मिनल के अक्रॉस हम जानते हैं कि हर बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो हर बैटरी में हर सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है,
ठीक है ना, ये हमारे पास अगर बैटरी के टर्मिनल्स हैं तो जो है ना इस बैटरी के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब कुछ लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को पॉजिटिव की साइड दिखा देते हैं और कुछ नेगेटिव की साइड, तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट जब पहुंचता है तो उसके बीच की रेजिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चाहे आप यहाँ लगा दो, ठीक है, चाहे आप यहाँ लगा दो, बात तो एक ही है ना कि पॉजिटिव से और नेगेटिव के बीच में आना चाहिए, क्लियर है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हर बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितनी रेजिस्टेंसेज, एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, चार, पाँच, छः, क्लियर। तो इसमें जो है ना पोटेंशियल चेंज होता ही रहेगा, क्लियर। तो देखो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस जितने भी बार पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज का मतलब क्या, बी, ठीक है, दैट मींस आई इंटू आर, उन सब का जो समेशन होगा वो जीरो होगा, क्लियर है। तो पोटेंशियल क्या बोलोगे, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, समेशन ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो इन ए क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ये हमसे कहता है लूप लॉ, ये हमसे कहता है KVL, क्लियर है, KVL, ठीक। नाउ तो अब आपको बात क्लियर हो गई, तो अब आपसे पूछा जाए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस जो सारे जितने चेंज इन पोटेंशियल हैं सबका अगर आप समेशन करोगे तो वो जीरो आएगा, दैट इज समेशन ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो बस ये बात अपन को लिखनी थी। अब इसके बेसिस पर, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, और क्वेश्चन में हमसे निकालना क्या होता है, निकालना होता है कि रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना है, पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या लिख दो आप, यहाँ पे आप केवीएल हेडिंग बना दो और लिख देना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ सम ऑफ क्या बोलोगे, बोलो सर हमने तो आगे बढ़ा दिया 10 सेकेंड, तो पहले बोलो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। अच्छा अब इसमें जो है ना एक छोटी सी बात और है, दैट मीन्स आप रूल सुनो, क्या सुनो, रूल, दैट मीन्स किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें जो है ना कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, देखो अगर मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कि किसी बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलता हूं, जो है आपका व्हेन सर्किट इज ओपन क्या बोलता हूं उसको, ईएमएफ, ठीक है। तो देखो अगर मैंने जो है ना यहां पर किसी क्वेश्चन में अगर मुझे मिल गया कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ई, तो इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब बात को समझने की कोशिश करो कि रूल्स लिखो यहां पर, रूल्स ध्यान रखने वाली बात यह है, तो पहली चीज कि रूल्स इसको सॉल्व करने के अलग अलग होते हैं, दैट मीन्स आप ऐसा मान लो कि डायरेक्शन जो हर टीचर कराते हैं तो हो सकता है कि भाई कोई टीचर अलग डायरेक्शन ले रहा हो, कोई टीचर अलग डायरेक्शन लेगा, और किसी बुक में कुछ और दिया है, किसी बुक में कुछ और दिया है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है ना, आंसर सबका सेम आएगा, तो किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली साल मैंने कराया था तो कुछ और मेथड यूज़ किया था, अब मैं करा रहा हूँ तो कोई और मेथड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, क्लियर है। तो पहला रूल याद रखो कि हमेशा अगर हमारी डायरेक्शन, बोला सर पहले समझाओ तो समझाते हैं, तो पहले इतना याद रख लो अगर डायरेक्शन सेम, हमारी लिखो यहाँ पे हमारी और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हो तो लिख लो भाई हमारी और करंट की डायरेक्शन, तो आप खुद से लिख लो हमारी और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, और तो कुछ याद रखना कि बस इतनी सी बात है कि अगर कोई भी करंट, जैसे मान लो करंट आई है या आई वन है, ये रेजिस्टेंस है आर वन, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, मतलब आई वन इंटू आर वन, बस ये याद रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन हमेशा
पॉजिटिव लेना, हमारी डायरेक्शन का मतलब है कि जो हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है और ये क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर जो है ना अच्छे से 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट का एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सारी चीजें आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। लेट से मान लो मैंने कहा कि ये एक छोटा सा पहले क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन ही मान लो, चाहे आप उसको कुछ भी करो, ठीक है ना, कि हमने ये कंसीडर किया। लेट से हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हो गई R2, ये हो गई R1, और यहाँ पे लगा दी हमने एक बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे लगा दी हमने एक दूसरी बैटरी, ठीक है ना। अब देखो इस बैटरी का पोटेंशियल 10 है, इस बैटरी का पोटेंशियल 5 है, ठीक है। R1 की वैल्यू नहीं दी, R2 की वैल्यू दी, कुछ नहीं दिया हमें। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है ना, किस तरह से डायरेक्शन लेनी है। सर कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया कि सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया कि लेट से करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस तरह से। लेट से मान लो उसको I1 करंट हो गया, ठीक है, I1 करंट हो गया, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो इसमें मान लो कि भाई 10 वोल्ट ज़्यादा होता है ना, 5 वोल्ट कम, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इसमें भी जो है कितना करंट जा रहा है, लेट से I1, इसमें भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है ना। हो करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा काम है कि करंट की डायरेक्शन ये, और हम अब अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन वही कैलकुलेशन की डायरेक्शन, तो हमने कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये मान ली, ठीक है ना, इस तरह से। ये इस तरह से मान लो इसको कि A B C D, ठीक है, किस लूप में काम कर रहे हैं, A B C D A A B C D A। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारा तो एक ही मेन मोटिव है कि यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल शुड बी जीरो आना चाहिए, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है ना। अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाऊँगा, ए से लेके बी, तो ए से लेके बी में मैं चला, मान लो मैंने माना ए बी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन हमने क्या मानी है, बोला यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक, तो ए बी, ठीक है। तो I1 into R1। अब देखो I1 into R1 जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारी डायरेक्शन है, तो साइन लगाया पॉजिटिव, ठीक है। BC में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, और हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी ऐसे ही। तो देखो ये लिखा है BC, तो यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर आपका हो गया I1 into R2 प्लस साइन। इसके बाद देखो CD में जब हम आए तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिली, जब हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिली तो देखो हमें क्या मिला, बोला बैटरी का टर्मिनल। तो याद रखना कि बैटरी के टर्मिनल में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई जो टर्मिनल पहले आएगा उसके हिसाब से साइन हम सेलेक्ट करेंगे, कितना हो गया प्लस 5। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो प्लस टर्मिनल पहले पड़ रहा है तो हमने प्लस साइन ले लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कौन सा टर्मिनल बैटरी का सबसे पहले पड़ रहा है, तो मैंने देखा कि माइनस टर्मिनल, तो मैंने माइनस 10 लिखा इज इक्वल टू 0। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में जो है R1 R2 की वैल्यू अगर दी होगी तो मैं I1 की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है, बात समझ गए, या फिर मुझे I1 की वैल्यू दी होगी तो R1 R2 की वैल्यू मैं आराम से निकाल दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब कैलकुलेशन के डायरेक्शन हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव साइन ले लेना, और अगर जो टर्मिनल बैटरी का पहले आए उसके हिसाब से साइन को कंसीडर करते हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन को अगर आपको दे दिया जाए तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस हमारे सामने है, इसकी वैल्यू मान ली हमने कैपिटल R, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस है और ये बैटरी लगा दी गई, ठीक है, ये यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस और ये एक बैटरी लगा दी, इसकी जो EMF दे दिया वो है E1, इसका EMF दे दिया E2, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से करंट मान ली हमने क्या I2, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई E1 या E2 की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, E1 E2 की वैल्यू निकाल दो, निकाल देंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ देखो, तो हमने सबसे पहले क्या किया, बोला ए बी आपका ये सी डी ई एफ, क्लियर। नाउ क्या करेंगे, हमने एक लूप कंसीडर किया, सबसे पहले एक लूप में हमें वर्क करना है, तो हम कौन से लूप में ले लें, तो हमने लिया कि भाई लेट से मानो डी ई एफ सी डी, है ना, तो इन लूप डी ई
एफ सी डी, डी ई एफ सी डी, ठीक है। अब देखो डी ई, डी ई में सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह काम करना पड़ेगा कि यहां पर एक चीज और देख लो कि आई वन करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो ये यहां पे कितना जाएगा, देखो आई टू नीचे जा रहा है तो इस पॉइंट के बाद यहां पे करंट फ्लो होगा आई वन प्लस आई टू, इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा आई वन प्लस आई टू, यहां पर आ जाएगा आई वन, इस बैटरी से निकला था तो उसमें वापस से कितना करंट जाएगा आई वन, इस बैटरी से आई टू निकला था तो इसमें वापस से कितना करंट जाएगा यहां से I2, ठीक है। देखो तो लूप डी ई एफ सी डी में हम काम करेंगे तो D से लेके E तक सबसे पहले हम क्या करें, कैलकुलेशन की डायरेक्शन देख लो, तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन जो हमने सेलेक्ट कर ली वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहां पे एरो लगा दिया, ठीक है, ये यहां से, ये यहां से, इसका मतलब देखो कि D से लेके E तक क्या कोई रेजिस्टेंस आई है, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं आई तो कोई भी जो है ना पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। अब देखो यहां पर यह रेजिस्टेंस E से लेके F तक, ठीक है, ई एफ, E से लेके F तक कोई रेजिस्टेंस आई है क्या, हाँ आई है, कौन सी, R1, तो R1 रेजिस्टेंस आई है। और ये देखो अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग का मतलब है कि अपना करंट हर जगह नहीं घुसना, हमें ये देखना है कि इस ब्रांच में पहले से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो इसमें कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, बोला आई वन, तो यहां पे देखो आई वन, आई वन इंटू आर वन, अब यहां पे देखो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में और हमारी करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसमें करंट ऐसे और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस साइन ले लिया। नाउ अब आप आ गए कहां पर, ई एफ में एक बार पोटेंशियल यहां चेंज होगा और एक बार पोटेंशियल यहां चेंज होगा, ठीक है। तो बैटरी के लिए क्या देखते हैं कि कौन सा टर्मिनल पहले, तो कौन सा टर्मिनल पहले, बोला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले, तो ये प्लस साइन लगाया और ये प्लस ई वन, ठीक है। नाउ अब आप आ गए एफ से लेके सी तक, बोला कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नाउ सी से लेके आप यहां तक आओगे पोटेंशियल चेंज होगा, तो देखो करंट ये इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, कैलकुलेशन से मैं कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब बैटरी के पोटेंशियल के लिए बोला नेगेटिव साइन ले लिया। इसके बाद देखो यहां पर आई टू आया और जो है ना आई टू करंट फ्लो हो रहा है किससे, आर टू से, ये हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन ऐसे, आई टू फ्लो हो रहा है ऐसे, तो आई टू आर टू ये हो गया पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें समझ में आ गया बोला ई वन माइनस ई टू, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर हम ऐसा कर लें इसको कि यहां पे देखो आई टू आर टू, आई टू आर टू प्लस आपका या माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू, ये यहां पर चला जाएगा तो ई टू माइनस ई वन हो जाएगा, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन में किस तरह से वर्क करेंगे, देखो बोला सर अब तो हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन एक बार देखो तो सही, एक बार देखो इसको, जैसे मान लो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा हर बार कि आप किस लूप में वर्क कर रहे हैं, आप किस लूप में वर्क कर रहे हैं ये आपको लिखना है। तो लिखो यहां पे इन लूप ए, देखो इसमें ए बी एफ ई ए, ए बी एफ ई ए, ठीक है। अब देखो ए से बी तक जाने में क्या कोई रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ रही है और इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमने करंट कैलकुलेशन डायरेक्शन ये कंसीडर कर ली, यानी कि यहां से, यहां से, यहां से और यहां नीचे की साइड, ठीक है ना। देखो तो कंडीशन का माने कि अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वही पॉजिटिव साइन लेना है। तो यहां पर देखो, यहां से देखो कि सबसे पहले किसको ले लें, बोला ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या कोई रेजिस्टेंस आ रही है, आ रही है, करंट कितना, तो करंट है आपका आर, ठीक है ना, करंट कितना, करंट है आपका आर, रेजिस्टेंस आ रही है, चलिए ठीक है। तो देखो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू, ठीक है, इनटू है आपका आर से, तो प्लस बी से लेके एफ तक आप आओगे तो कोई रेजिस्टेंस में चेंज नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसके बाद आप जाओ कि एफ से लेके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो हमने देखा कि कौन सा टर्मिनल आ रहा है पहले, पहले आ रहा है माइनस ई वन, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहां पे देखो कि आई वन, आई वन इंटू आर वन, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो उसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आ गया। अब आप क्या करो, बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, जरूरी नहीं कि हर बार आई वन प्लस आई टू लेना है, ठीक है, हम तो देखेंगे रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा उसके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि यहां पर आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू इंटू आर प्लस आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन, ठीक है। तो इस तरह से हम E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी गिवन वैल्यू दे दी जाएगी तो उसके हिसाब से हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यूज हमारे पास बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं कि उस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाएगा, तब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना है तो फास्ट उसको नोट करो, तब तक हम चेक कर लें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। आई वन प्लस आई टू इंटू आर, ठीक है, माइनस ई वन और आपका ये प्लस आई वन आर वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे दी गई वो दे दी गई 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई 20 वोल्ट। ठीक है ना, 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट आपसे कह रहा है कि भाई आपको करंट की वैल्यू पता करनी है कि हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। क्या पता करना है, हर ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट भी करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पता पड़ जाए कि एक्चुअली में बेसिक रूल लगाने किस तरह से हैं। ठीक है ना, तो सबसे जरूरी बात कि हमें खुद से करंट के डायरेक्शन को असाइन करना पड़ेगा। तो हमने माना कि लेट से अगर ये मेरे पास जो है ना बैटरी, अपने पास ये V1 मान लो बैटरी V1 हो गई, तो यहाँ से करंट गया आपके पास I1। ठीक है, यहाँ से करंट निकला, करंट हो गया I2, ऊपर पहुँचा, करंट है आपका I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2 और मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया कि ऊपर गया I3। ठीक है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि किरचॉफ लॉ में जितना कम हो सके उतने वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं। ठीक है ना, I1, I2, I3 की जगह अगर हमारा काम I1, I2 से ही चल रहा है, एक जगह I1 चला गया, एक जगह I2 चला गया, एक जगह हमने I1 माइनस I2 कर दिया, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज़्यादा इक्वेशन बनेंगे। ये क्वेश्चन इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, जितने कम वेरिएबल लेंगे उतना आसानी से अपना जो है ना क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो इसमें आप I1, I2 की वैल्यू निकाल दो फास्ट, तो निकाल दो फास्ट, ए बी सी डी और आपका जो, चलो गलत ले लिया, ले लो उसको ई और ये एफ, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्या करना है, अब हमें सिंपल से एक काम करना है कि पहले किस में काम कर लें, पहले मान लो काम कर लो आप इसमें, तो यहाँ से एक काम करते हैं कि सबसे पहले किस लूप में काम करोगे, नीचे वाले में, तो डी सी एफ ई डी लिख दो, इन लूप डी सी एफ ई डी, ठीक है। नाउ क्या करना है, सबसे पहले बताओ कि फाइव में हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, करंट देखो इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब 5I1 नेगेटिव, देखो करंट इसमें ऐसे, हमारी कैलकुलेशन ऐसे, तो नेगेटिव आ गया। इसके बाद प्लस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन ऐसे, हम ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, बोला पहले टर्मिनल कौन सा आया, बोला पॉजिटिव, तो बैटरी के लिए कैलकुलेशन डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती, बैटरी के लिए सिर्फ आप ये देखो कैलकुलेशन करते समय कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आप आए सी से लेके एफ तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ एफ से लेके ई तक, जब आप एफ से लेके ई तक बढ़ रहे हो तो बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है, तो माइनस नेगेटिव 20 इसको लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आप आगे बढ़े, I2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, बोला 4। अब देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसे ऐसे बढ़े थे ऊपर की साइड, और रेजिस्टेंस में करंट डायरेक्शन ऐसे, तो ये आपका पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से कुछ नहीं करना, मतलब 5I1 प्लस आपका 4I2, या फिर ऐसे ले लें कि 4I2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 20 प्लस 10, इस साइड आके ये आपका प्लस 10 हो जाएगा, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, बनाओ उसको फास्ट, कैसे बनाओगे देखो यहाँ पे, कि यहाँ से देखो करंट गया आपका प्लस 5I1, यहाँ से देखो सी से लेके एफ डी तक देख लो, पहले किसी भी लूप में देखो डी ए बी सी डी, क्लियर है, इस लूप में ले लो, ए से लेके डी से लेके ए तक जाओगे कुछ नहीं है, ठीक है, ए से लेके बी तक जाओगे तो I1 प्लस I2 किस रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, बोला 10 ओम वाली रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ से बी से लेके सीधा कुछ नहीं है, इसके बाद माइनस साइन लगाओ, पहले माइनस टर्मिनल आ रहा है, तो इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक गए तो ये आपका प्लस 5I1 आ गया इज इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 10I1 प्लस 10I2 माइनस का 10 और आपका ये प्लस 5I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 10I1 5I1 15I1 हो जाएगा और आपका ये प्लस 10I2 हो जाएगा और ये इस साइड जाकर के ये प्लस 10 हो जाएगा, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं,
एक काम कर सकते हैं, ये देखो ये माइनस फाइव आई वन और ये 15i1। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, एक काम करते हैं इस इक्वेशन में जो है ना, इस इक्वेशन में 3 का इंटू कर दे रहा हूँ मैं और इसमें किसी का नहीं कर रहे हैं, तो 3 का इंटू करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ये आपका माइनस 15i1, ठीक है, प्लस 12i2 और आपका ये हो गया आपका 30। इसी तरह से ये 15i1 और नीचे किसी का इंटू हमने किया नहीं है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10। बस एडिशन कर दो, एडिशन करोगे तो ये आपका ठीक है, ये आपका 22i2 हो गया और ये आपका जो है ना 40 हो गया, ठीक है। तो i2 की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई कितनी, 40/22 कैंसिल करूँगा तो ये आपके पास 20/11 एम्पियर आ गया, ठीक है, 20/11 एम्पियर मेरा आंसर हो गया। i1 की वैल्यू मैं यहीं से निकाल दूंगा, किसी भी इक्वेशन से मुझे मिल जाएगी, ठीक है, तो i1 की वैल्यू मैं इस तरह से निकाल दूंगा, वैल्यू पुट कर दो, है ना, i2 की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऑल दो हमें कैलकुलेशन में इतना दिमाग लगाना नहीं था, अब कैलकुलेशन आपको नहीं करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन में करा देंगे ना यहाँ पटक जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना जरूरी है, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना नहीं तो आप कभी प्रॉब्लम दे सकते हो आपको, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकता है वो कुछ इस तरह से मिल सकता है, आपसे कह दिया कि आपके जो है ना कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब एक आप ऐसे बोल सकते हो पूरी सर्किट को हम नेटवर्क कह देते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंडक्टर रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, हम उसको नेटवर्क कह देते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कुछ इस तरह का डायग्राम मिल सकता है, आपसे कह दिया गया कि चार बैटरी लगे, कितनी चार बैटरी, बोला ये बैटरी लगी हुई, एक बैटरी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 2 ओम, यहां पे क्या है कि हमें इस तरह की कुछ वैल्यू मिल गई। देखो अब जो हमें क्वेश्चन में जो मिलेगा ना, ध्यान से देखना, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका G हो गया और ये आपकी जो है ना सेल हो गई H। अब ध्यान से देखना, देखो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को ड्रॉ कर दिया, अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ डीकोडेड है। पहली चीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ तो हमें पता कर लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा और पूरे डेटा को लिख दिया कि 2 वोल्ट की बैटरी है एक, उस जिसका जो है ना जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, क्या दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 वोल्ट की है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 3 वोल्ट की बैटरी का 3 ओम है, 1 वोल्ट की एक और बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, और आपसे कह दिया कि भाई जो है ना इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, हर ब्रांच में आपको करंट पता करना है। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम हमें बना के दिया जाएगा इस डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, या फिर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई करना है, ठीक है। देख जैसे कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है ना, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दी है तो लगा दो भाई इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कि ये यहाँ लगा दिया आपने, ये बैटरी है इसकी लगा दो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गई, ठीक है, सबके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आप बना दो तो हमें क्वेश्चन करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पे, ये लगा दी, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब हमने सबके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी तो कई बार लोग पॉजिटिव साइड की जगह लगा देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और कई बार जो है ना नेगेटिव साइड की जगह, तो हमने आपको रीज़न बता दिया कि आप नेगेटिव की ओर लगा दो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, जबकि नेगेटिव वाला ही ज़्यादा सही माना जाता है। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कह दूँ कि ये हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि 2 वोल्ट की ये है कोई 2 ओम, ये हो गई आपकी 1 ओम, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 3 ओम, ठीक है ना, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 1 ओम। हर किसी में करंट की वैल्यू पता करनी है तो पहले करंट की डायरेक्शन वगैरह, पहले करंट की जो नोटेशन वगैरह तो साइन कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, और कई बार तो ज़्यादा कर जाते हैं, तो अब नहीं करेंगे अपन। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, कि जितना कम से कम करंट के वेरिएबल्स हो सकें उतने कम से कम लेंगे, नहीं i1 i2 i3 i4 नहीं करना। i1 i2 में काम चल जाए अच्छी बात है, ठीक है, i या i1 में काम चल जाए अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ से मान लेते हैं 3 वोल्ट से, ठीक है, यहाँ से करंट गया लेट से यहाँ से i, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 वोल्ट से मानो, बोला सर हमें कैसे पता पड़ेगा, आप यहाँ से मान लो,
ठीक है, यहाँ से मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेट से ये 2 वोल्ट है ना, ये 1 वोल्ट है, तो मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से कितना करंट आया, तो यहाँ से करंट आया आई, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मान लिया मैंने आई करंट नीचे आया, दैट मीन्स इसमें से आई करंट होकर के आया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें इतना करना है कि जब ये करंट आई यहाँ पे पहुँचेगा, तो लेट्स से इस करंट आई का एक पोर्शन आई वन, आई वन यहाँ आ गया, ठीक है, और इस करंट आई का एक पोर्शन यहाँ आ गया, दैट मीन्स अगर आई ऊपर चला गया तो नीचे कितना जा रहा है, आई माइनस आई वन, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितना जाएगा, आई माइनस आई वन, क्लियर है, बात समझ गए, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें एक काम और करना है कि अब कुछ नहीं करते हैं, रूल लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर दें कि ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मान लो इसमें से दो के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेट से जी सेल के और एच सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको भी पता करना है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट वगैरह हो सकता है, तो अपन इसको और पढ़ लेंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कोई भी लूप हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेट से लूप ले लेते हैं ए बी या ए डी बी ए, ठीक है, इस लूप में हम वर्क कर रहे हैं और कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी हमने ले ली कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ए से लेके बी तक चलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए से लेके बी तक चलोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल की जगह हमने लिख दिया प्लस वन, ठीक है। नीचे आए और हमने देखा कि कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमारी नीचे की साइड, ठीक है, तो 1 ओम से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो हमने लिख दिया 1 I, कितना लिख दिया 1 I। नाउ यहां से यहां जाओगे तो 2 I1 हो जाएगा प्लस 2 I1, ठीक है। यहां पर पहुंचे B पर, B से देखो आप यहां से पहुंचे कैलकुलेशन की डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। अच्छा, एक चीज समझते हैं कि यहां पहुंचा I1, यहां पहुंचा I-I1, यहां पहुंचा I-I1। अब जरा सोचो ना कि नीचे से B पॉइंट पे पहुंचा I-I1 और ऊपर से पहुंचा I1 प्लस I1, ठीक है। तो देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया और यहां पे कितना पहुंचेगा करंट I, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि तो बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस जाता है, क्लियर तेरी बात। तो देखो यहाँ पे आपको कितना करंट भेजना है, बोला I, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे प्लस 2 I। और देखो कि जब हम इस बैटरी को क्रॉस करते हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ता है रास्ते में, तो आपने लिख दिया -2 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो हो जाएगी I प्लस 2 I, दैट मीन्स ये 3 I प्लस 2 I1, और ये आपका जो है ना, यहाँ से देखो ये -2, ये आपका 1 इज इक्वल टू, इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1, ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओ फर्स्ट किस तरह से बनेगी, देख लो यहाँ से कि हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन आप कैसे भी ले सकते हो, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ले लो, इस तरह से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। नाउ सबसे पहले किसकी बात करें, सबसे पहले बात कर लो किसकी, लेट से ले लो डी सी बी डी लूप में बात करेंगे, तो डी सी बी डी है ना, तो डी से लेके सी तक जाओगे सबसे पहले क्या आ रहा है, ये 3, हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो 3 × I1, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 3 × I-I1, क्लियर हो रहा है। इसके बाद ये वाला टर्मिनल पहले आ रहा है, तो क्या लिखोगे, ये -3, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नई बैटरी आ गई, पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है इस बैटरी का, तो +1 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम, रेजिस्टेंस कौन सी है, 1 ओम, तो +1 ओम, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नीचे की साइड अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, जैसे कि मान लो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये रही नीचे की साइड और करंट फ्लो रहा है इसमें ऊपर की साइड, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे बोला कि -2 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 I - 3 I1, और ये माइनस, ये इसको लिख दें -2, तो ये -2 और ये आपका हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ये आपका -3 + 1, ठीक है,
ये आपका वन, अच्छा सॉरी वन सेकंड, एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, यहाँ से देखो एक बार फिर से लिख दें, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे देखो ये थ्री इंटू आई माइनस आई वन, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस का थ्री, इसके बाद ये हो गया आपका प्लस का वन, हाँ जी, और उसके बाद प्लस प्लस इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वन इंटू आई माइनस आई वन करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, है ना। अच्छा इसके बाद जो है ना यहाँ पे इसको ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब ठीक है ये, ठीक है, अदरवाइज अपनी मिस्टेक हो जाती। अच्छे तो यहाँ पे देखो थ्री आई माइनस थ्री आई वन, ये आपका हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा आपका आई माइनस आई वन माइनस टू आई वन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो ये आपका थ्री आई और ये आपका आई, तो ये आपका फोर आई हो गया, ठीक है, ये आपका माइनस थ्री आई वन, ये आपका ये, तो माइनस फोर आई वन हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है ना ये आपका माइनस टू, अच्छा अच्छा माइनस थ्री आई वन और ये आपका माइनस थ्री आई वन, तो ये हो गया आपका माइनस सिक्स आई वन, ठीक है ना, ये भी गड़बड़ हो जाती है, तो आपका ये देखो फोर आई वन सेकेंड थ्री आई फोर आई माइनस थ्री आई वन और ये आपका माइनस फोर माइनस सिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में ये टू आ गया, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर, तो इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करने पे अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अपना, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं, यहाँ से थ्री आई प्लस आपका टू आई वन इज इक्वल टू वन और ये आपका फोर आई माइनस सिक्स आई वन इज इक्वल टू टू, अगर मैं इंटू कर दूँ ऊपर थ्री का, यहाँ पे इंटू कर दूँ वन का, तो इक्वेशन जो मेरे सामने बन जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, लाइक अगर मैं इसमें इस तरह से कर दूँ, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप आसानी से कर पाओगे ना, तो ये आपका कितना हो गया नाइन आई प्लस आपका सिक्स आई वन इज इक्वल टू थ्री और नीचे लिख दूंगा मैं फोर आई माइनस सिक्स आई वन इज इक्वल टू टू, कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 5 और ये बचा आपका 13i, तो यहाँ से जो i की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 13 एम्पियर, क्लियर है, i की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद यहाँ से यहाँ बढ़े, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, और कैसे निकालेंगे, अब आपको निकालना है i माइनस आई वन, मतलब i1 की वैल्यू और निकाल लें, तो i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, इससे निकाल लो फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो i की वैल्यू अगर हम पुट कर दें भाई, अच्छा देखो i की वैल्यू लिख दी आपने, i की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से 3 इंटू i की वैल्यू है 5 अपॉन 13 प्लस 2 आई वन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 3 15, तो 2i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 13, तो यहाँ से i1 इज इक्वल टू आपका हो गया ये आपका माइनस 2 अपॉन, अच्छा ये 2i1 माइनस 2 अपॉन 13, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो हो गई माइनस 1 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 13 एम्पियर। तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, यहाँ से आपने आई की वैल्यू भी निकाल दी, यहाँ से आपने आई वन की वैल्यू भी निकाल दी, तो किसी भी ब्रांच में करंट पूछे बता देना, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होगा कितना 5 अपॉन 13, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होगा माइनस मतलब 1 अपॉन 13, माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की है वो नीचे की साइड होनी चाहिए थी, और इसमें कितना करंट फ्लो होगा तो आप निकाल दोगे आई माइनस आई वन करके निकल जाएगा ना, बस इतना सा काम आपको करना है। यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको और करना है, आपसे पूछा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिक्स फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी एंड एच, किसी भी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि लेट्स से मेरे पास ये फॉर्मूला होता है कि ई इज इक्वल टू बी प्लस आई आर, ठीक है ना, I का मतलब क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द टर्मिनल। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो 3 ओम है, ये जो 3 ओम हमें रेजिस्टेंस दिख रही है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है, ये बाहर की रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो अगर आपसे कह दिया जाए कि इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जितना ये सी और डी के अक्रॉस होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के अक्रॉस होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज हमें ये जानना है कि ये जो है ना ये बैटरी करंट दे रही है, क्या कर रही है, बैटरी करंट दे रही है, देखो प्लस से निकल रहा है
प्लस से निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, तो करंट ये दे रही है। जबकि इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये बैटरी करंट ले रही है, यानी कि बैटरी रिचार्ज हो रही है। ये बैटरी प्लस से निकल रहा है, देखो करंट प्लस से निकल रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल वर्किंग बैटरी है। ये बैटरी देखो, ये बैटरी करंट ले रही है, इसके प्लस में करंट जा रहा है, इसका मतलब बैटरी रिचार्ज हो रही है। क्या हो रही है, रिचार्ज हो रही है। तो देखो सिंपल से फॉर्मूला मेरे पास का इज इक्वल टू, अगर आपने EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, तो देखो कि जब भी हमारी कोई बैटरी नॉर्मल वर्क करती है, दैट मीन्स पॉजिटिव से करंट नेगेटिव में जाता है, यानी करंट दे रही है, यानी करंट ये गिविंग है ना, करंट ये हमें करंट दे रही है, तो क्या बोलोगे, इज इक्वल टू वी बी प्लस आई आर, है ना, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अच्छा, I का मतलब क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, सबसे पहली चीज इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I माइनस आई वन। ठीक है ना, तो अगर मैं निकालूंगा I माइनस आई वन की वैल्यू कितनी हो जाए, I की वैल्यू 5/13 माइनस आई वन, आई वन की वैल्यू है मेरे पास -1/13, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6/13। 6/13 किसकी वैल्यू है, I माइनस आई वन की वैल्यू है, तो ये निकाल लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6/13 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो V मुझे निकालना है, तो V कितना हो जाएगा, E माइनस मैं इसको बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, E माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू कितनी, 6/13 इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस 6/13 इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू मुझे दी है 3। ठीक है ना, और उसके बाद माइनस यहाँ पे 6/13 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरे पास ये ऐसा हो जाएगा, ये भी देखो 3, ये भी 3, तो आपका ये हो गया 13 3 39 माइनस आपका ये हो जाएगा 6 3 18/13, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 21/13, कितना होगा, 21 ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो 21/13 ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए इस आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं अपन, इस आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये मेरे पास जो है ना 21/13 आंसर आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर मैं बात करूंगा इस सेल के लिए, ये एच वाली सेल के लिए, तो एच सेल क्योंकि रिचार्ज हो रही है, और हमने पढ़ा था कि रिचार्जिंग सेल में हमेशा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है EMF से। रिचार्जिंग सेल में हमने पढ़ा था, देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इसमें मेरी गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, रिचार्जिंग सेल में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है EMF से। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर देना, मतलब V इज इक्वल टू यहाँ पे आपने E माइनस आई आर किया है, तो यहाँ पे E प्लस आई आर कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो V इज इक्वल टू H सेल में कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे लिख लो करंट, H सेल में कितना करंट जा रहा है, तो H सेल की जो EMF वो है 1 प्लस करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आपका 1, अच्छा करंट जा रहा है आपका 6/13 इंटू आर कितना है, बोला 1, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 13 प्लस 6 19/13 एम्पियर, अच्छा वोल्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि किसी भी तरह का डाउट कंफ्यूजन आपको नहीं रहे, ठीक है ना, इसके बाद जो है ना आज की इस क्लास को ऑफ रखेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमारा ऑफ नहीं होगा, ये टॉपिक हमारा कल भी चलेगा। ठीक है, और आपको कल मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी किसी भी कीमत पे, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे कल आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, तो किरचॉफ लॉ आपको ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट भगाएंगे अपन, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हम, ये हमारा आलस आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा कह सकते हो कुछ काम था हमें, जैसे आप जानते हो ना दूसरा चैनल जो बना रहे थे उसके लिए कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी थी, इसका इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन और मिल रहा है हमें, उस क्वेश्चन को और करते हैं, इसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फिर से ये कंडीशन बना दी गई, और अब आप एक काम करोगे कि कैलकुलेशन वाला स्टेप आप खुद से कर लोगे। नाउ देखो, इसका मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 5 वोल्ट, इसका दिया है 10 वोल्ट, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, क्लियर।
अब समझो इसको कि हमें क्या निकालना है, हर ब्रांच के अंदर करंट निकालना है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना, वो जो सारी चीज़ें थी ना वो अभी तक हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। इस ब्रांच में निकालना है करंट। अब इस ब्रांच में हम करंट किस तरह से निकाल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमने मान लिया कि भाई यहाँ से करंट आ रहा हो कोई आई, ठीक है। यहाँ से कितना करंट मान लें कि भाई यहाँ से करंट आ रहा होगा आपका, चलो आई वन मान लो, ठीक है, आई वन, ठीक है, चलो ले लो कि यहाँ से चलो ये आ गया आई वन का एक पोर्शन, लेट्स इसको I2 मान नाम दे दो, ठीक है। अगर ये I1 I1 आया, I1 का एक पोर्शन I2 आया, तो नीचे कितना आ जाएगा, I1 माइनस I2, आएगा नहीं आएगा, यहाँ से I1 आया ऊपर चला गया I2, नीचे आ गया I1 माइनस I2, क्लियर। नाउ देखो यहाँ से, इसी तरह से एक बैटरी हमारे पास ये लगी है 5 वोल्ट, यहाँ पे देखो यहाँ से निकला I3, ये जा रहा है ऊपर, यहाँ पहुँचा I2, यहाँ से पहुँचा यहाँ पे I3, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा I2 प्लस I3, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। देखो ये I2 प्लस I3 नीचे आया, ये नीचे आया, I2 प्लस I3 नीचे आया, आया इस I, इसमें से इस बैटरी में से I1 निकला था ना, तो उसमें वापस I1 जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये I2 प्लस I3 नीचे आ रहा था, आते आते इसमें से I1 और कम हो गया, तो नीचे कितना आया I2 प्लस I3 माइनस I1, दैट्स ऑल, इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद ये I2 प्लस I3 माइनस I1 नीचे आया, I2 प्लस I3 प्लस माइनस I1 नीचे आया, और यहाँ से ये I1 माइनस I2 नीचे आ गया, इस पॉइंट पे दोनों मिल गए, कितना I1 माइनस I2 मिल गया, ठीक है। तो देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा आपके पास I3। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई, क्या आपको करंट समझ में आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आया I1, ऊपर चला गया I2, तो नीचे आ गया I1 माइनस I2, ये I2 पहुंचा ऊपर, ये I3 यहाँ से पहुंचा ऊपर, दोनों मिलके नीचे आ गए, I2 प्लस I3 बनाया। जैसे यहाँ पे पहुंचा, इस बैटरी ने अपना करंट इससे वापस ले लिया, ये I1 आ गया, यहाँ पे आया I2 प्लस I3 माइनस I1, माइनस चला गया ना I1, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ पे देखो ये करंट मीट हुआ, यहाँ से ये करंट मीट हुआ, और वापस से यहाँ पे कितना आ गया I3। अब कुछ नहीं करना आपको, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब ये आप करते रहना, ए बी सी डी, और चलो इसका नाम दे दो ही, कैलकुलेशन कर लोगे, दैट्स ऑल। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एक बार इसको फास्ट से नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, देखो आपको अगर करंट की डायरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से करंट ले लेना कुछ इस तरह से, बना दोगे इस तरह से, बना लिया करो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कैसे कर लो, यहाँ पे कर लो ऐसे, इस तरह से बना लेना, इस तरह से बना लेना, ठीक है। देखो सिंपल से कुछ नहीं करना हमें, ए से लेके बी तक जा रहे हो, करंट की हमारे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका 4 I2 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, बोलो ना, बोलो ना। यहाँ से 4 I2 प्लस, ठीक है, बी से लेके सी, ठीक है। तो देखो करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम, तो 2 into I2 plus I3। इसके बाद देखो यहाँ से इसमें, देखो दोनों सबकी डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका हो जाएगा I into प्लस, वन का इंटू आई से है, वन का इंटू आई वन से है, तो यहाँ पे वन का इंटू आई वन से कर दो। इसके बाद पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, बोला नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या ले लो, बोला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। चलिए भाई इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 4 I2 प्लस 2 I2 प्लस आपका जो है ना 2 I3 प्लस I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 6 I2 हो गया, 2 I3 हो गया, और तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1, दैट मीन्स I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ किस में वर्क कर दें, वर्क कर लो आप ये वाले में, ए डी सी ए में देखो यहाँ से क्या देखोगे, ए से लेके डी तक चले, तो 4 का इंटू आई वन माइनस आई टू से 4 into I1 minus I2, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से जाओगे, ये देखो 2 का इंटू होना है किससे, देखो हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन ऊपर, करंट फ्लो हो रहा है नीचे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल इतना करोगे कि माइनस साइन लगाओ और 2 का इंटू कर दो, I2 प्लस I3 माइनस I1 से हट रहे हैं। यहाँ से देखो करंट डायरेक्शन सबकी डायरेक्शन सेम, तो ये आपका प्लस I1 और ये माइनस 10 फिर से, तो प्लस I1 और ये माइनस 10 फिर से इज इक्वल टू 0,
क्लियर है। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये आपका 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 प्लस माइनस 2i3 माइनस 2i1 और प्लस i1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 4i1 माइनस 2i1 तो ये कितना हो गया, अच्छा एक बार और देखो, ठीक माइनस का इनटू इससे, चलिए बहुत शानदार बहुत सुंदर, नहीं तो गलत हो जाता, ठीक है। तो 4i1 6i1 और ये 7i1, तो 7i1 क्लियर है। चलिए भाई 7i1 i2 देखो, तो ये 6i2 तो ये माइनस का 6i2, ठीक है। अब इसके बाद देखो i3 तो ये माइनस का 2i3 इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी तरह से हम वर्क कर सकते हैं कि इसमें इसी तरह से, अच्छा एक क्वेश्चन बना ले और बना लो भाई, ठीक है। इसी तरह से हम वर्क कर सकते हैं किसके अंदर, बोले इसके इसमें वर्क कर लो। अगर हम इसमें वर्क करेंगे इसमें BDEB, ठीक है, किसमें देखो BDEB में देखोगे तो यहाँ से बी से लेके यहाँ तक देखो, बी से लेके सी तक, तो आपका ये हो जाएगा 2 × दैट में डायरेक्ट लिख दें 2i2। कैलकुलेशन की डायरेक्शन देख लो ऐसे, ठीक है। चलिए तो करंट इसी तरह से फ्लो हो रहा है, तो 2i2 प्लस आपका 2i3 प्लस, यहाँ से देखो 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 और आपका ये यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबको सीधा कर लो भाई, ये आपका 4i2 ठीक है प्लस 4i3 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 5, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आप एक बार इन इक्वेशंस को अच्छे से नोट कर लो और उसके बाद जो है ना इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक मोड में इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आंसर आपका मैच करता है नहीं करता, ठीक है। देखो एक आध करके दिखा दें, उसके बाद तो आप खुद ही कर दोगे। ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूं कि भाई इक्वेशन नंबर किस में काम कर लें, इसमें देख लो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हम वर्क करते हैं तो आपको मिलेगा ये आपके पास i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन में दिया है 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3, बहुत सुंदर अपना काम हो गया, ठीक है ना। ये देखो प्लस माइनस तो, और ये ऐड कर दिया आपने 8i1 इज इक्वल टू आपका 20, तो i1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20/8, दैट मीन्स ये हो गया 4 5 जा और 4 2 जा, दैट मीन्स i1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2.5। अब तो बस काम खत्म हो गया, i1 की वैल्यू किसी भी इसमें उठा करके पुट कर दो और अपना फिर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने i1 निकाल दिया, ठीक है, और ठीक अब तो आप कर दोगे इसको आराम सॉल्व, i1 निकाल दिया आपने, ठीक है, अब इसको करते रहना, ठीक कर लोगे। चलिए तो i2 और i3 की वैल्यू निकाल के आपको हमें देनी है, ठीक है ना, निकाल दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाओ कमेंट कर देना, बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, थैंक यू नहीं बोलेंगे, हमने भी बराबर मेहनत की है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर कर पाए हो यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पार्ट फिर आ रहा है आपके लिए, आपको उसके जस्ट बाद मिल जाएगा, कल मिल जाएगा मॉर्निंग में। तो सेकेंड पार्ट, अगर आप ये वीडियो बहुत देर बाद देख रहे हो, दिनों बाद, तो ये जो सेकेंड पार्ट है आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के लिए, इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, थैंक्स अ लॉट।